ऐसा कि जैसे आज 10 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाती है, उसको बढ़ा के भगवान ना करे या आपको कभी ना देना पड़े, मैं तो यही प्रार्थना करता हूं। लेकिन मजबूरी में कभी देना पड़े तो 25 लाख रुपया बढ़ा के दी जाएगी सम्मान निधि। वर्दी और आहार भत्ता के बारे में जो बात उन्होंने कही है उसको भी मैं स्वीकार करता हूं, उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। और एक बात, कुछ चुने हुए बन के रखवाले मित्रों के साथ मैं बैठक करूंगा, इसमें महावत वनरक्षक से लेके संख्या बड़ी ना होने के एक एक दो दो तीन तीन प्रतिनिधि उनके हों, वो सारे प्रतिनिधि बुला के सीएम हाउस में बुलाएंगे, हम चर्चा करके और भी समस्या होगी तो उसका निवारण भी हम करेंगे। मैं वन विभाग के साथियों का अत्यंत आदर करता हूँ, विशेषकर जब जंगलों में हम देखते हैं हफ्ते 15 दिन घोर घने जंगल में हाथ में डंडा लेके पैदल गश्त करते हैं, कहीं शेर का खतरा, कहीं रीछ का खतरा, कहीं और किसी वन्य प्राणी का खतरा, तो भी खतरा उठा के वन बचाने का काम करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। महावत और कटर जैसे लोग भी जो अल्प वेतन पर काम करते हैं उनकी चिंता भी हमको करनी चाहिए, और इसलिए एक बार उनसे संवाद हम जरूर करेंगे ताकि कुछ और समस्याओं की जिंदगी में हो तो उन समस्याओं का भी समाधान किया जा सके। जो अल्प वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारी है उनके कल्याण की भी रूपरेखा हम बैठ कर बनाएंगे ताकि उनकी जिंदगी में भी सवेरा हो सके और उनका जीवन सुखी बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सभी शहीद परिजनों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।